Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 26th April 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about Bhutan's vaccination policy. And the ideas discussed here are important for our syllabus paper 1 essay point of view, and it can be also used by political science optional students. तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि भूटान ने किस तरह की अचीवमेंट हासिल की है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19। आप इस ग्राफ को देखिए तो दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज के ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरह से उनके यहाँ पे वैक्सीनेशन की दी जा रही है लोगों को। तो आप देखेंगे कि इजराइल भूटान के बाद दूसरे नंबर पे इजराइल है जिसने अपने देश के लगभग 62% लोगों को कम से कम फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन कोविड वैक्सीन तो दिलाई दिया है। उसके बाद यूएई है, यूके है, यूएस है। इंडिया अभी कहीं 8.47% पे है, मतलब हमारे देश के लगभग 8 से 8.5% लोगों को फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन मिल चुका है। लेकिन यही अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान के अंदर 75% से भी ज्यादा पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन मिल चुका है। अब ध्यान से अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि भूटान ने बहुत लेट शुरू किया वैक्सीनेशन ऑफ इट्स सिटीजन। अब देखिए लगभग 25 मार्च के आसपास भूटान ने वैक्सीनेशन शुरू किया और कितने जल्दी इसने अपने 75% से भी ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज का कम से कम वैक्सीनेशन दिला दिया है। जबकि बाकी सारे कंट्रीज में देखिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत पहले से शुरू हो गया और धीरे 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 चल रहा है, जबकि भूटान ने बहुत स्टीप तरीके से अपने यहाँ के लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंदर कवर किया है। और देखिए इसमें इंडिया का भी काफी रोल रहा है। इंडिया ने भूटान को फ्री वैक्सीन डोजेस प्रोवाइड कराए थे, लेकिन फिर भूटान ने किया क्या? देखिए इंडिया ने लगभग 1.5 लाख डोजेज वैक्सीन के भूटान को प्रोवाइड कराए इन जनवरी 2021, लेकिन भूटान ने वेट किया टिल मार्च 27। भूटान ने पहले प्रॉपर डाटा रजिस्टर किया, लोगों को प्रॉपर टाइम दिया कि आपको इस तारीख को वैक्सीन मिलेगा। तो इस तरीके से उन्होंने पहले मिलते के साथ ही वैक्सीन देना शुरू नहीं किया, पहले डाटा कलेक्ट किया और डाटा के साथ साथ टाइम अलॉटमेंट किया, और फिर धीरे 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 जब सब लोगों को टाइम अलॉट कर दिया गया तो एक साथ उन्होंने जब वैक्सीन देना शुरू किया इन एन इफेक्टिव मैनर, इन एन कोऑर्डिनेटेड मैनर, तो बहुत जल्दी उन्होंने अपने 75% से भी ज्यादा पॉपुलेशन को कवर कर लिया है, विच इज हाइएस्ट इन द वर्ल्ड सो फार। भूटान ही ऐसा देश है जिसने सबसे ज्यादा अभी तक लोगों को कवर कर रखा अंडर इट्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और भूटान के अगर ओवरऑल कोविड 19 मैनेजमेंट की बात की जाए तो उसका परफॉर्मेंस वहां भी काफी अच्छा रहा है। भूटान के अंदर बस 934 केसेज आए हैं कोविड के अभी तक, और बस एक ही डेथ हुई है ड्यू टू कोविड। पिछले एक साल से भूटान ने अपना इंटरनेशनल बॉर्डर लगभग क्लोज कर रखा है। किसी भी इंटरनेशनल टूरिस्ट को अगर वहां जाना होता है तो उसके लिए मैंडेटरी 21 डेज का क्वारंटाइन सिस्टम लेकर के अप्लाई कर रखा है उन्होंने। अब ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें इससे इसका एग्जाम्पल हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो उसको समझने से पहले इस बात को समझिए कि आखिर भूटान इतना सक्सेसफुल हुआ क्यों अगेंस्ट कोविड-19। उसके पीछे दो ही मेन कारण, ऐसा कुछ नहीं कि उनके यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है या उनके यहाँ का गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। दो चीजें हैं, स्मॉल टेरिटरी छोटा एरिया है और स्मॉल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, 10 या 10.5 लाख के आसपास तो उनकी पॉपुलेशन है बस। तो ये दो चीजें हैं जिस कारण से भूटान ने बहुत इफेक्टिव तरीके से अपने यहाँ पे वैक्सीन मैनेजमेंट किया है। अब इसका हम अपने आंसर राइटिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे? आखिर हमें, या आप भी सोच रहे होंगे कि मैं आपको भूटान की वैक्सीनेशन पॉलिसी क्यों पढ़ा रहा हूं और ये हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो समझिए, मैंने आपको बताया एसए में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर के अंदर सेकेंड पेपर जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला टॉपिक है उसमें एक टॉपिक है नेशनल इंटरेस्ट। उस नेशनल इंटरेस्ट में बात की जाती है कि किस किस तरीके से एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने देश के जो भी सुरक्षा है या लोगों का ह्यूमन इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करके रख सकता है, मतलब
क्या क्या एक देश के पास होना चाहिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, और जो जनरल आइडियाज लिखे रहते हैं कि एक देश को अगर मजबूत होना चाहिए, उसके लार्ज टेरिटरी होने चाहिए, ज्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए, रिसोर्स ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के वो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकता है। छोटी टेरिटरी या छोटे पॉपुलेशन वाले जो देश हैं उनकी नेशनल इंटरेस्ट हमेशा से ही वल्नरेबल रहती है, ऐसा जनरल कॉन्सेप्ट है अभी तक। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन स्टूडेंट्स को यह बात पता होगी। अब आप बात को समझो, भूटान का ये करंट एग्जांपल देकर क्या आप बोल सकते हो कि ये जो आइडियाज थे कि बड़े देश ही अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो आउटडेटेड हो रहे हैं इन मॉडर्न सिनेरियोस अगेंस्ट मॉडर्न चैलेंजेस। जैसे कि कोविड का आप चैलेंज देखिए, कोविड पैंडेमिक का चैलेंज देखिए, इस चैलेंज के खिलाफ जो छोटे देश हैं जिनका पॉपुलेशन कम है दे हैव बीन मोर सक्सेसफुल इन मैनेजिंग सच काइंड ऑफ क्राइसिस, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो countries having small territories and small population will be more in a better position to tackle such emerging challenges. So political science option students agar aisi baatein likhenge to examiner impress hoga ki inhone करंट कॉन्सेप्ट को भी समझा है इन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट या इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट में। क्योंकि दुनिया जहां लिखेगी कि बड़ा देश होना चाहिए, बड़ा पॉपुलेशन होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये आइडियाज अब थोड़े से आउटडेटेड हो रहे हैं। कुछ कुछ मॉडर्न चैलेंजेस हैं जहां पे छोटे देश और छोटा पॉपुलेशन होना ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, जहां कंट्रीज आर बेटर सूटेड टू टैकल सच चैलेंजेज, और ये एग्जाम्पल आप लिखोगे। उसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, वैक्सीनेशन की बात चल रही है तो लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स रिलेटेड टू वैक्सीन जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। एक कॉन्सेप्ट होता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आर इन्फेक्शन दैट अकर इन पीपल हु हैव बीन वैक्सीनेटेड। तो जिनको ऑलरेडी वैक्सीन मिल चुका है अगर उनको COVID-19 इन्फेक्शन हो जाए या वो कोविड पॉजिटिव हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, देयर आर सम केसेस, वेरी फ्यू बट सम केसेस ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि लगभग 10,000 लोगों में 2 से 4 लोगों को ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो जा रहा है दोनों डोज मिलने के बाद भी। तो दोनों डोज आपको मिल गया उसके बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वेरी रेयरली, वेरी इन स्मॉल केसेस, नंबर ऑफ केसेस जैसे कि 10,000 में बस 2 या 4 लोगों को। उसके अलावा वैक्सीनेशन से ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से चेन टूट जाएगा COVID-19 का, कि आपने वैक्सीन ले लिया तो आपको दोनों डोजेस मिल गए तो इसका मतलब यह है कि आपको कोविड नहीं हो सकता, लेकिन आप कोविड कैरियर जरूर हो सकते हैं। मतलब आपके घर में अगर बाकी लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है तो आपके कारण उनको इन्फेक्शन जरूर हो सकता है, उनकी तबीयत जरूर खराब हो सकती है। वो बात अलग है कि आपने वैक्सीन ले लिया है तो वो कोरोना वायरस आपके खिलाफ काम नहीं करेगा। सो मुद्दा ये है कि वैक्सीन आर मेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिजीज बट नॉट द ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस। आपके थ्रू ये वायरस दूसरे के बॉडी तक पहुंच सकता है तो ये चेन को नहीं टूटेगा। यही कारण है कि सब लोगों का ये वैक्सीन लेना जरूरी है। जब तक पूरी तरह से वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वल्नरेबिलिटी बनी रहेगी, रिस्क बना रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2 डोजेज ले लिए तो आप बिल्कुल अब समझो कि मैं बाहुबली हो गया हूं और हर तरफ से प्रोटेक्टेड हूं, ऐसा नहीं है। आप दोनों डोजेस के बाद भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, वो रेयर केस है वैसे तो, और दोनों डोजेस के बाद भी आपके कारण आपके परिवार वालों को हो सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन आपसे हो सकता है, आपसे प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं जो इंडिया में लगाए जा रहे हैं, दोनों के अंदर थोड़े ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के केसेस पाए गए हैं। जैसे कि 93 लाख लोगों में से लगभग जिनको वैक्सीन दी गई लगभग 4,000 लोगों को कोरोना वायरस हो गया आफ्टर फर्स्ट डोज, और सेकेंड डोज के बाद भी लगभग 17 लाख लोगों में से 695 टेस्टेड पॉजिटिव। वैसे ही कोविशील्ड की अगर बात की जाए तो 100 मिलियन में से लगभग 17,000 पीपल टेस्टेड पॉजिटिव इवन आफ्टर फर्स्ट डोज, और 15 मिलियन में से 5,000 पीपल टेस्टेड पॉजिटिव इवन आफ्टर सेकेंड डोज। तो सेकेंड डोज होने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से आप इस वायरस से सुरक्षित हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट एक्सरसाइज वरुणा, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए छोटा सा न्यूज है, इंडिया और फ्रांस की नेवी ने मिलकर के एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करना शुरू किया है 25th से 27th अप्रैल तक। इस नेवल एक्सरसाइज का नाम है वरुणा 2021 एंड दिस विल बी 9th एडिशन ऑफ वरुणा। तो वरुणा नेवल एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में 1983 से ही शुरू हो चुका है और ये हमारा वरुणा एक्सरसाइज का 19th एडिशन होगा।
जो इस साल हम कंडक्ट कर रहे हैं। अब इसका कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो इसका एक ही जगह इस्तेमाल हो सकता है वरुणा, तो आपसे हो सकता है डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछ ले इस तरीके का सवाल कि वरुणा जो ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, आपको इस तरह के ऑप्शन दे सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर दे सकते हैं। दूसरा आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने में कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस टू स्ट्रेंथन इट्स देयर टाइज। तो इंडिया फ्रांस रिलेशन पे अगर कभी सवाल आ जाए तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, वहां लिख सकते हैं वरुणा इंडिया और जो फ्रांस के बीच में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कराई जा रही है सिंस 1983। उसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैंने अब मुझे लगता है 4-5 दिनों पहले ही बताया था इंडिया फ्रांस रिलेशन को लेकर के, कि P5 कंट्री में फ्रांस ही अकेला ऐसा देश है जो इंडिया के परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आइडिया को स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। उसके अलावा फ्रांस ने हमारी NSG या MTCR जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू वेपन्स, उसमें एंट्री के लिए फ्रांस ने हमने पूरा सपोर्ट किया। फ्रांस ने MTCR में तो हमें एंट्री भी मिल गई 2016 में, और न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में हमें वैसे तो एंट्री नहीं मिल पाई बिकॉज ऑफ द होल्ड ब्रॉट बाई चाइना। चाइना ने इंडिया की एंट्री को NSG में ब्लॉक कर दिया, उसने कहा कि कंट्री मस्ट बी सिग्नेटरी टू NPT इफ इट वॉन्ट्स टू गेट एन एंट्री इन NSG। आई होप आपको NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप और MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कट ऑफ रिजाइन इन दोनों इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं इनके बारे में आपको कल और डिटेल में बताऊंगा। उसके अलावा इंडिया फ्रांस के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन हुई 1998 में, सिविल न्यूक्लियर अग्रीमेंट साइन हुई 2008 में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है फ्रांस इंडिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे कि स्कॉर्पियन कन्वेंशनल सबमरीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हाल फिलहाल में हमने 36 रफाल फाइटर जेट्स खरीदे हैं फ्रांस से, और सबसे बड़ी बात है करंट टाइम्स में अगर आप आए तो आप सबको पता है कि हमारे देश में ऑक्सीजन की कितनी कमी महसूस की जा रही है बिकॉज ऑफ COVID-19। कई सारे पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसे टाइम में फ्रांस पहला ऐसा देश बना है जो हमें ऑक्सीजन सपोर्ट देने के लिए आगे आया है। उसके बाद तो और भी कई सारे देश आए जैसे कि तो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, वो भी हमें सपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन सपोर्ट देने के लिए आगे आया है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट 551 न्यू ऑक्सीजन प्लांट्स, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली सब सेगमेंट हेल्थ। तो देखिए इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझिए, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे देश में ऑक्सीजन की एक्यूट शॉर्टेज फेस की जा रही है, कई सारे पेशेंट्स तो मर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज। आपने सुन रखा होगा कैसे जयपुर में ऑक्सीजन ना होने के कारण एक एक बार में 20-20 पेशेंट्स की डेथ हो गई, तो यही कारण है कि हाल फिलहाल में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इन आवर कंट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पीएम केयर फंड से पैसे रिलीज किए जाएंगे इन ऑर्डर टू सेटअप ऑक्सीजन प्लांट्स और एंड मोर देन 551 ऑक्सीजन प्लांट्स विल बी सेटअप इन आवर कंट्री। और उसके अलावा सरकार ने यह भी ऑर्डर रिलीज किया है कि जो भी ऑक्सीजन हो हमारे देश का, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हो, प्राइवेट यूज के लिए हो, जहां भी हो, जैसा भी ऑक्सीजन हो, सब कुछ भारत सरकार एक बार के लिए जब्त करेगी और उसका इस्तेमाल किया जाएगा फॉर मेडिकल पर्पज टू गिव सपोर्ट टू कोविड पेशेंट्स, जैसा भी ऑक्सीजन हो। अब आपके पास अगर किस तरह का भी ऑक्सीजन हो, प्राइवेट ऑक्सीजन हो, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हो, वो अब आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, दैट विल बी इलीगल, आपको भारत सरकार को सब कुछ जमा करना होगा। तो एक बार पीएम केयर फंड के बारे में समझ लेते हैं जिसकी मदद से ये 551 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। पीएम केयर फंड आपको याद होगा 2020 में लगभग मार्च 27 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एस्टेब्लिश किया था ताकि COVID-19 के अगेंस्ट हमारी फाइट को सस्टेन किया जा सके। इसका इस्तेमाल किया जाना था ताकि हमारे जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको सपोर्ट किया जाए ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक। उसके अलावा COVID-19 के अगेंस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पीएम केयर फंड का इस्तेमाल किया जाना था। तो इस तरीके से पीएम केयर फंड लास्ट ईयर एस्टेब्लिश किया गया, और पीएम केयर फंड इज मैनेज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद 3 अदर मिनिस्टर्स हु आर होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। एक बात और आपको ध्यान रखनी कि पीएम केयर फंड का कोई भी ऑडिट नहीं होता है बाय CAG, और पीएम केयर फंड में अगर आपने कुछ डोनेशन दिया है तो दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 80G। कई सारे लोग अभी हाल फिलहाल में आगे आ रहे हैं वापस से, पिछले साल भी बहुत सारे लोगों ने पीएम केयर फंड में पैसा दिया था, इस साल वापस से कई सारे लोग आ रहे हैं पीएम केयर फंड में पैसा देने के लिए ताकि उनकी मदद से ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा सके। अब जो दूसरी बात मैंने आपको बताई ऑक्सीजन को लेकर के, जो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भारत सरकार ने ऑर्डर रिलीज किया है कि जिस भी तरह का लिक्विड ऑक्सीजन किसी के पास भी हो, इवन विद द प्राइवेट प्लांट्स,
उन सबको दे हैव टू मेक इट अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर मेडिकल पर्पस ओनली। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्वोक कर दिया है इन्होंने लिक्विड ऑक्सीजन के लिए। तो जिनके पास भी लिक्विड ऑक्सीजन, देखो सिलेंडर के अंदर जो मेडिकल पर्पस के लिए जो सिलेंडर होता है आपने देख रखा होगा, हाल फिलहाल में न्यूज में बहुत आ रहा है, उसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन ही होता है और लिक्विड ऑक्सीजन प्रेशराइज्ड फॉर्म में रखा जाता है सिलेंडर के अंदर। जब वो निकल करके आता है ट्यूब के थ्रू तो फिर वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसको पेशेंट्स आराम से जिससे सांस ले सकते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन की बात की जाए तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह से LOX। इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, इस तरीके से पेल ब्लू कलर, हल्का ब्लू कलर, और स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर मतलब कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखी जाती है हल्की हल्की, मतलब अगर आप मैग्नेट रख देंगे इसके सामने तो ये अपने आप को ओरिएंट कर लेगा मॉलिकुलर लेवल पे अलोंग द मैग्नेट। अब वो बात अलग है कि हमें अपनी आंखों से नेकेड आंखों से दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप से जरूर दिख जाएगा, लेकिन ये अपने आप को ओरिएंट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कारण से इसको हम लोग कहते हैं पैरा मैग्नेटिक मटेरियल। उसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो क्रायोजेनिक लिक्विड की तरह किया जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे, इन ऑक्सीडाइजर प्रोपेलेंट। सरल शब्दों में बताएं तो आपको पता है कि रॉकेट के अंदर फ्यूल किस तरह का होता है, फ्यूल केरोसिन हो जाता है या लिक्विड हाइड्रोजन हो जाता है, लेकिन फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीडाइजर चाहिए, ये तो आप जानते होंगे। आप हवा कोई भी आग बुझाने के लिए आप क्या करते हैं, उसके ऊपर बालू डाल देते हैं या पानी डाल देते हैं, उससे फायदा क्या होता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए आग के जलने के लिए, बिना ऑक्सीजन के आग जल नहीं सकता। तो ये जो ऑक्सीजन है ये रॉकेट के अंदर सप्लाई किया जाता है थ्रू लिक्विड ऑक्सीजन टैंक। तो ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है रॉकेट के अंदर, जो ऑक्सीजन फिर ऑक्सीडाइज कराता है फ्यूल को, जैसे किरोसिन को या हाइड्रोजन को, दैट हेल्प्स इन बर्निंग, और फिर वहां से एनर्जी रिलीज होती है रॉकेट के लिए। तो ये मेन इस्तेमाल होता है लिक्विड ऑक्सीजन का इन रॉकेट्स आज क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीडाइजर प्रोपेलेंट। उसके अलावा मेडिकल पर्पस के लिए तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल आपको पता ही है, हाल फिलहाल में तो आप चारों तरफ देख ही रहे हैं कि कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए कितने बेचैन हो रहे हैं। तो जब भी जिनकी सांसें कमजोर होने लगती है उनको फिर ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है इन मेडिकल फील्ड। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इकोनॉमी सेगमेंट, इट इज अबाउट नेशनल पेंशन सिस्टम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। इस आर्टिकल को अगर समझना है तो पहले हमें ब्रीफली समझना होगा कि हमारे यहां का पेंशन सिस्टम पहले कैसा था और अब कैसा है। तो जो ओल्ड पेंशन सिस्टम है जो 2009 में बदल दिया गया, उस पेंशन सिस्टम के हिसाब से कोई भी इंप्लॉय को जो भी सैलरी उसको मिल रही थी रिटायरमेंट के टाइम में, उस सैलरी का 50% उसको पेंशन के फॉर्म में मिलेगा। मतलब आप रिटायरमेंट के टाइम में आपकी लाख रुपए की सैलरी थी तो आपको 50,000 रुपए का पेंशन मिलेगा विद एनुअल हाइक ऑफ 3%, तो हर साल 3-3% बढ़ेगा भी। और जो ये जो पेंशन का पैसा है डायरेक्ट भारत सरकार अपने खजानों से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशनरीज को देती थी, जो रिटायर्ड लोग होते थे उनको देती थी। लेकिन 2009 में ये पेंशन सिस्टम बदल दिया गया और इस पेंशन सिस्टम में क्या किया गया कि वो सारे इंप्लॉय जो 1 जनवरी 2004 के बाद से जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन किया है उनके लिए पेंशन सिस्टम था। तो समझिए नया पेंशन सिस्टम जिसको न्यू नेशनल पेंशन सिस्टम भी कहते हैं, इसमें क्या किया भारत सरकार ने कि भाई अब आपको पेंशन भारत सरकार डायरेक्ट खुद नहीं देगी, आपको अपनी सैलरी से, जब आप नौकरी कर रहे हैं तब से ही आपको अपनी सैलरी का 10% अमाउंट कटवाना है एज ए पेंशन फंड। तो आपको अपनी सैलरी का 10% पैसा इंप्लॉय पेंशन अकाउंट फंड में डालना है। मान लीजिए आपकी लाख रुपए की सैलरी है आज के टाइम में, तो आपको 10,000 रुपया अपने पेंशन अकाउंट फंड में डालना है हर महीने, और जितना पैसा आप डालेंगे उतना ही पैसा आपका इंप्लॉयर डालेगा। मतलब अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो सरकार डालेगी 10,000 रुपए, आपने डाले 10,000 तो सरकार डालेगी 10,000 रुपए। ये जो नया पेंशन स्कीम है, न्यू नेशनल पेंशन स्कीम, ये प्राइवेट कंपनियों के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और आपने 5,000 रुपए डाले अपने इंप्लॉय पेंशन फंड अकाउंट में, तो आपने 5,000 डाले तो आपका इंप्लॉय उस पेंशन फंड अकाउंट में 5,000 रुपए डालेगा। तो इस तरीके से अब आपको नौकरी के टाइम में ही अपने पेंशन फंड में थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहने हैं। उस फंड का नाम होगा इंप्लॉय पेंशन अकाउंट फंड, उस फंड को मैनेज करने वाली एजेंसी होगी पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दो मेन अंतर है पहले के पेंशन सिस्टम में और अभी के पेंशन सिस्टम में। पहले जो पेंशन सिस्टम था दैट वॉज मोस्टली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयज, प्राइवेट वालों के लिए अलग अलग स्कीम्स थी लेकिन उनके लिए इस तरह का कोई पेंशन सिस्टम डायरेक्टली था नहीं। जो नया है उसमें प्राइवेट के लिए भी है पब्लिक के लिए भी है। नया में कैसे, पुराने में कैसा था कि भारत सरकार सीधा सीधा पेंशन देती थी
इंप्लॉयज को। अब नए में कैसा है कि इंप्लॉयज को अपने पेंशन फंड में पैसा जमा करते रहना है थोड़ा थोड़ा, और जितना पैसा वो जमा करेंगे उनका इंप्लॉयर भी उतना पैसा जमा करता रहेगा और इस फंड में, इस इंप्लॉय पेंशन अकाउंट फंड में पैसा जमा होता रहेगा। और इस इंप्लॉय पेंशन फंड अकाउंट में जो पैसा जमा होगा, मान लीजिए रिटायरमेंट के टाइम में इसने थोड़े थोड़े पैसा जमा करते करते 1 करोड़ रुपए जमा करा दिए, तो इस 1 करोड़ रुपए का 60% अमाउंट इसको एक बार में मिल जाएगा रिटायरमेंट के टाइम में, मतलब 60 लाख रुपए इसको एक बार में मिल जाएंगे। और जो बचा हुआ 40 लाख रुपए यानी कि 40% अमाउंट, ये इसको एन्यूटी प्रोडक्ट के फॉर्मेट में मिलेगा, मतलब हर महीने थोड़ा बहुत पेंशन के फॉर्मेट में वो पैसा मिलता रहेगा, 30,000 35,000 जो भी उसको एन्यूटी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मंथली पेंशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बचे हुए 40 लाख को, और इस इंसान को दिया जाएगा ओवर इन पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20 ईयर्स। अभी जो करंट न्यूज है वो इसी प्रोविजन से रिलेटेड है। आई होप ये प्रोविजन आपको क्लियर है कि जितना भी आपने पेंशन में पैसा जमा किया अंडर न्यू नेशनल पेंशन स्कीम, उसका 60% पैसा एक बार में मिल गया आपको रिटायरमेंट के टाइम में, बचा हुआ जो 40% पैसा है वो आपको मंथली पेंशन के फॉर्मेट में मिलता रहेगा। इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज है, इसी में थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश कर रही है सरकार। पहले कैसा था कि अगर आपने 2 लाख रुपए तक जमा किया है ना अपने पेंशन फंड में, तो आपको एक बार में सारा पैसा आप निकाल सकते थे, मतलब जो मान लीजिए कोई छोटा गरीब आदमी है वो बेचारा 1 करोड़ 1.5 करोड़ नहीं, उसने बस 2 लाख रुपए ही जमा कर पाया। अब 2 लाख रुपए में भी आप 60% अमाउंट उसका एक बार में दीजिएगा, मतलब 1,20,000 दीजिएगा, 80,000 उसका अटका के रख लीजिएगा कि हर महीने देंगे, तो ऐसा नहीं करना था पहले भी। पहले 2 लाख तक का अमाउंट के लिए एक बार में पेमेंट हो जाता था, उसके ऊपर अगर होता 2 लाख से ऊपर तो फिर 60% अमाउंट एक बार में लमसम और 40% अमाउंट मंथली पेंशन के फॉर्मेट में। पहले यह था 2 लाख तक का लिमिट था। अब पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो पेंशन फंड के फील्ड का रेगुलेटर है, उसने प्रपोज किया है कि इस लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाए, मतलब अगर किसी इंसान ने 5 लाख रुपए जमा किया अपने पेंशन फंड में तो उसको एक बार में लमसम अमाउंट दे करके उनका अकाउंट वहीं सेटल कर दिया जाए। लेकिन ये बस पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के कहने से नहीं होगा, इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रॉपर कानून लाया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इन आवर सेगमेंट मोस्ट प्रोबेबल प्रीलिम्स टॉपिक्स फॉर अपकमिंग यूपीएससी टुडे वी विल कवर टॉपिक नंबर 96 to 100। टॉपिक नंबर 96 इज अबाउट सिनाई पेनिनसुला। यहाँ देखिए सिनाई पेनिनसुला एंड इट इज स्पार्सली पॉपुलेटेड डेजर्ट रीजन बिटवीन रेड सी एंड मेडिटेरियन सी। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 96। टॉपिक नंबर 97 इज अबाउट अपेदा, Agriculture Processed Food Products Export Development Authority, that was established under Agricultural and Processed Food Product Development Authority Act of 1985. It works under Ministry of Commerce and Industry. It is mandated with the responsibility of export, promotion and development of products like fruits, vegetables, meats and poultry. Please attempt this question based on topic number 97. Topic number 98 is about Entangi National Park. It is located in Perin district of Nagaland. Amongst the species that inhabit park are rare hulok, gibbon, golden langur, hornbill, Asian palm civet, black stork, tiger, white-breasted kingfisher, monitor lizard, python and sloth bear. Please attempt this question based on topic number 98. Topic number 99 is about Setatkar committee. It was constituted to recommend measures to enhance combat capability and rebalance defense expenditure of armed forces. It submitted its report in 2016. It recommended that defense budget should be in range between 2.5% to 3% of GDP, keeping in the mind possible future threats. Please attempt this question based on topic number 99. Topic number 100 is about ENAM, National Agricultural Market, Electronic National Agriculture Market. It is Pan India Electronic Trading Portal launched in 2016, completely funded by central government and implemented by Small Farmers Agribusiness Consortium. National Agriculture Market Network portals existed. It helped existing APMC or regulated market committee yards or sub-market yards and private market and other unregulated markets to unify all the nationwide agricultural markets by creating central online platform. सरल शब्दों में कहे तो कैसे Flipkart ने सारे जो छोटे छोटे दुकानें थे उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, वैसे ही जो तमाम हमारे यहाँ पे फार्मर्स की मंडी है, एग्रीकल्चरल मंडी, उनके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया ई नैम ने। वहां पे बायर्स और सेलर्स आकर के अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके बेच सकते हैं। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 100। दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 91 to 95 दैट वी हैड गिवन इन यस्टरडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis.
जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग वेज एंड मींस एडवांस इज टेम्पररी बोरिंग फैसिलिटी अवेल्ड बाय आरबीआई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट टू द स्टेट, दिस इज रॉन्ग। इट इज अवेलेबल टू द स्टेट्स एज वेल, नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द बोरोड अमाउंट, दिस इज अगेन रॉन्ग, इंटरेस्ट एट द रेपो रेट इज पेड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, द इंडेक्स विच स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू। सो इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। India's rank has improved in last 5 years. This is wrong. And it ranks countries on the basis of quality of journalism. Again, this is wrong. Not, it does not rank countries on the basis of quality of journalism. It ranks countries on the basis of freedom enjoyed by the press in these countries. So the second and third statements are wrong. Correct answer will be option B, 2 and 3 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.